मेरा नाम नर्मदा सिंह है, मेरा घर सामने ही है। कितने साल पुरानी कुंडी है ये? कितने साल पुरानी है, हम तो देखते ही चाह रहे हैं। 50 साल पुरानी कुंडी है ये। 50 साल पुरानी कुंडी, 20 साल से तो मैं देख रही हूँ। नहीं निकाली, 3 महीने से पाइपा ला के फेंक दिए यहाँ पर। ना मोरी के लिए पाइप डला रहे हैं, ना यहाँ पर पूरा पानी जमा हो जा रहा, डेंगू हो जा रहा। मेरी पोती को डेंगू हो गया, ये डेंगू की रिपोर्ट है, गवर्नमेंट की रिपोर्ट है। मालूम है, बहुत परेशान हो गए। बाजू की पार्टी ऑफिस से नहीं दिख रहा हूँ कुछ करने के लिए। खाली तेरे छाछ मेरे बैंगनी करके पूरा गौशा महल को मट्टी में मिला के रखे। अब मंगलाट में देखो कितनी गंदगी पड़ी हुई है, कि दुकान वालों को कितनी तकलीफ, किसको परेशानी नहीं हो रही क्या? मैं कल नीलोफर दवाखाने में गई, बच्चों को, हर बच्चे को डेंगू। क्या हो रहा है यहाँ पर तेलंगाना गवर्नमेंट में, क्या हो रहा है ये? आप जब GHMC ऑफिसर से कुछ बात करें तो वो कुछ समाधान कुछ भी नहीं। रात के टाइम पे आते, 1:30-2 बजे रात को आते, 12 बजे आते, आके चोरी छुपे, जैसा कि कोई चोर लेके जाता ना कचरा, सोना चांदी वैसा उठा के लेके चल जाते। रोडों के ताल्लुक से कुछ बात भी है? रोडों के ताल्लुक से देखो, यहाँ से रोड को खाली पैचर डला देते, छोड़ के चले जाते। बोले तो क्या बोलते, आने का टाइम डालेंगे बोलते। क्या कर रहे फिर ये? लापरवाही है, जिम्मेदारी नहीं है कोई चीज़ की। मकान नंबर 14-1-151, ये कुंडी का नाम है इकबाल कुंडी, और इसकी सफाई पूरी नहीं हो रही है, जिसकी वजह से महल्ले में हर घर में लोग बीमार हैं। हमारे पड़ोस के ये नर्मदा है, इनकी पोतरी को डेंगू हो गया है, और यहाँ की कोई पुस्तानियाल नहीं है। कचरा उठाने वाले भी आते हैं और पूरे आके आधा कचरा उठा के आधा कचरा छोड़ देके जाते हैं। सफाई का कोई एहतमाम नहीं है, ना कोई ऑफिसर आके देख रहा, कुछ नहीं। सिर्फ वो क्रेन वाला आता है और थोड़ा सा कचरा उठाता, रात में 11 बजे आते वो लोग आके उठाते हैं। तो इसके तरफ से हम पूरे महल्ले वालों को तकलीफ है, और हर घर के अंदर बीमार है। मेरी बीवी बीमार है, मेरा पोतरा पोतरी बीमार है, इनके घर में बीमार, इनके घर में बीमार, इनके इनको इनकी पोतरी को तो डेंगू हो चुका है। लिहाजा हम KTR सब से मुतालबा करते हैं कि ये कुंडी का यहाँ से सफाई होना और ये कुंडी यहाँ से हटना हमारा मुतालबा है। और हम समझते हैं कि इसके ऊपर आप हमदर्दाना गौर करते हुए इसका फैसला हमारे हक में करेंगे। यहाँ के रोडों की क्या हालत है? यहाँ के रोडों का ऐसा है, मोरियों का पानी रोज़ बहता है। मोरी सुबह जो निकलती मोरी का पानी, तो शाम तक गोबर का पानी, मोरियों का पानी, साफ सफाई बिल्कुल नहीं हो रही यहाँ पूरे। अभी भी साबिका में आप लोग कुछ कंप्लेंट करे नहीं? कंप्लेंट करे, आके देखे गए, ऑफिसर भी आए देखे, मोरियों को चेंज कर दिए, मोरियों में पैपन आ रहे, फिर भी वही हालत है। गोबर का फायना वैसी है, अभी ये देखिए आप सामने पूरा पानी जमा हुआ है, रोड पूरी कच्ची है उसका मोरियों का पानी आने से। और कचरे की हालत देखो आप, वो कोने से ये कोने तक कचरा आता है, और ये महल्ले का कचरा नहीं है, अदर महलों से ला के डाल रहे हैं यहाँ कचरा। महल्ले वालों का कचरा इतना जमा नहीं होता, और 24 घंटे में एक बहुत गाड़ी आती है, और वो रात में 11 बजे आधा कचरा उठा के चले जाते हैं, पूरी सफाई नहीं होती। और कचरे के ऊपर ला के पाइपा लग डाल दिए, वो कचरा उठाने वालों का वैसे भी तकलीफ है, क्रेन काम नहीं कर रहा, क्रेन जो उठाता है।